हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपके लिए झटपट बनने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जो है इंस्टेंट मिर्ची फ्राई। 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है, तो आइए देखते हैं कैसे बनाना है इसे। आइए बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 17 से 18 लंबी मिर्चें ली हैं और इनको धोकर सुखा लिया था। अब हम इन मिर्चों को इस तरह से बीच में से काट लेंगे। इस तरह से हमें सारी मिर्चों को काट लेना है। मिर्चें गीली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जब हम इन्हें तेल में पकाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्प्लटर करेंगी। मैंने इसका ऊपर का डंठल निकाल दिया है, अगर आप उसे रखना चाहें तो आप उसे रख सकते हैं। देखिए, हमने सारी मिर्चियों को बीच से काट लिया है, बिल्कुल भी तीखी नहीं है। और अगर आप कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो इनके बीच के बीज भी निकाल सकते हैं। ये हमने एक पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करने रख दिया है और गैस को हमने लो ही रखा है, और हम पूरे प्रोसेस में गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। तेल अच्छे से पक गया है, अब हम इसमें मिर्चें डालने देंगे। और मिर्च डालते समय सावधानी रखेंगे क्योंकि मिर्च थोड़ी सी तड़केगी। अब हम इसे 1 मिनट चला लेंगे। अब हम इसे 1 मिनट ढककर पका लेंगे, जिससे ये मिर्चें अच्छे से पक जाएंगी। बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है मिर्चें, हल्की सा क्रिस्पी रखना है इसे। हमने इसे ढककर 1 से 2 मिनट तक पका लिया है, इनका कच्चापन निकल गया है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं नमक डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, हल्दी आधी चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, सौंफ आधी चम्मच, लाल मिर्च 1/4 चम्मच, खटाई 1 से 1.5 चम्मच। इन सबको हम अच्छे से मिला लेंगे। खटाई इसमें अच्छे से ही पड़ेगी, नहीं तो इसका स्वाद नहीं आएगा। ये जो मिर्चें हैं ये आप अचार की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन्हें स्टोर करके भी रख सकते हैं, ये जल्दी ख़राब भी नहीं होंगी।
अब हम इन्हें 1 से 2 मिनट तक और पकने देंगे। हमने मिर्चों को बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है, हम इसको थोड़ा सा क्रिस्प रखना है। मसालों को अच्छे से भुनने देंगे। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे। ये हमारी अच्छे से पक चुकी हैं। अब हम इसमें 1 नींबू का रस डालेंगे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस डालते समय हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि हम गैस को ऑफ करेंगे तभी नींबू का रस इसमें डालेंगे। अब हम इन्हें प्लेट में सर्व करेंगे। मिर्ची फ्राई बनके तैयार है। इसे आप गरम गरम पराठे, रोटी या अचार की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है। आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।